दरअसल देश भर में इन दिनों राम नाम की हवा बह रही है। राम नाम पर सवार बीजेपी अपना चुनावी एजेंडा सेट कर चुकी है। बीजेपी के एजेंडे को मात देने के लिए अब आम आदमी पार्टी भगवान हनुमान का सहारा ले रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ कराने का ऐलान कर चुकी है। इधर आपके सुंदरकांड पर सियासत भी शुरू हो गई है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें RSS का छोटा रिचार्ज बता दिया। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल 3 बजे दिल्ली के रोहिणी में भक्तों संग सुंदरकांड का पाठ करेंगे और इधर आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने चिराग दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करवाया, जिस पर अब एक नई सियासत शुरू हो गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। तो आपके सुंदरकांड पाठ पर जारी सियासत के बीच दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और ओवैसी के बयानों पर प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। सुंदरकांड का पाठ करा रही है, चिराग दिल्ली के अंदर हम मौजूद है और यहाँ पर भी सौरभ भारद्वाज जी सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं। सौरभ जी, सबसे पहला सवाल, आप लोग सुंदरकांड का पाठ आज से शुरू हो गया, लेकिन बीजेपी कह रही है तो सीजनल सनातनी, आखिर इसी समय पर हनुमान जी की याद क्यों आई है? देखिए, हमारे यहाँ तो सुंदरकांड वर्षों से होता रहा है और हमारे यहाँ हनुमान जन्मोत्सव पे बहुत भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, कई विधायकों के कार्यक्रम होते रहे हैं और आज सभी 70 विधानसभाओं में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अगर तकलीफ है, भारतीय जनता पार्टी भी करा ले, कल करा ले, वो परसों करा ले, वो आज शाम को करा ले, हमें तो उनसे कोई एतराज़ नहीं है। उनको हमारे सुंदरकांड से क्यों एतराज़ है, बड़ी शर्म की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी को हनुमान जी के सुंदरकांड से भी एतराज़ होने लगा है, बहुत दुख की बात है। तो वो लोग कह रहे हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके की चीज़ें। देखिए, वो तो कुछ भी कहें, लोग तो उनको भी कहते हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए अधूरे मंदिर का इनॉग्रेशन जो है चुनाव से पहले करा जा रहा है, और वो तो कहते हैं ऐसा नहीं है। राजनीति के अंदर तो लोग कहते रहते हैं। आप लोग सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं कि बिल्किस बानों पर चुप रहेंगे और सुंदरकांड का पाठ कराकर आप RSS के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ओवैसी जी की बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है हमें। अयोध्या जाएंगे अरविंद के? मेरे को जब उनसे चर्चा नहीं हुई, चर्चा होगी तो बताऊंगा। बिल्कुल, आज से आम आदमी पार्टी जो है वो सुंदरकांड का पाठ करा रही है और सभी 70 की 70 विधानसभाओं में इस तरीके के कार्यक्रम जो आयोजित किए गए हैं। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल आज सुंदरकांड का पाठ कराएंगे और रोहिणी के बालाजी मंदिर में वो सुंदरकांड के जो पाठ कराया जाएगा सुंदरकांड का, उसमें सम्मिलित होंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ नमित त्यागी, जनतन TV दिल्ली।